इधर सुर्खी से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू के आरोपों पर पलटवार किया। गोविंद सिंह राजपूत ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा पारुल साहू की हार तय है, इसलिए वो झूठे आरोप लगा रही हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट है कि कांग्रेस प्रत्याशी की हार की हताशा है, जो हार के डरने के कारण इस प्रकार के आरोप लगा रही हैं। सच्चाई है कि 7 साल जब विधायक थी गांव में कभी गई नहीं, और गांव के लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप 5-7 साल कहां रही और आपने क्या किया। तो अब 10 तारीख के बाद जो रिजल्ट आएगा, जनता को क्या जवाब देंगे? तो कहीं ना कहीं आरोप तो लगा नहीं है, तो अच्छा है, अच्छा आपने आरोप लगा दो मतदाता सूचियों पर। ऐसा कभी हुआ है कि इतना फर्जी बात होती नहीं, मैं समझता हूँ। तो ये किस वजह से, उनके क्या सोच क्या हो सकती है उनकी? स्पष्ट और स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है, अब कोई ना कोई आरोप लगाएंगे ताकि वो कल जिंदा रहे कि इस कारण से हम हारे। सब कुछ ठीक चल रहा है। अब देखिए, वो उन्होंने लिख के दिया कि मुझको कमलनाथ जी की रैली में उधम की आशंका है। अरे उधम करने वाले लोग तो बोलो हैं, उनको उनके लोगों को सब जानते हैं, मेरे और मेरे परिवार के लोगों को सब लोग जानते हैं कि हम लोग, मैं 6 छठी बार चौड़ लगा हूं, कभी भी किसी भी प्रकार की अशांति हम लोगों ने नहीं फैलाई है और भारतीय जनता पार्टी की संस्कार ही नहीं है। तो ये अभी से ही लोगों के मन मानस में उतारना चाह रहा है कांग्रेस प्रत्याशी कि इस कारण से हमारी हार हुई है, ताकि ये आरोप कल लगाएंगे तो वो आरोप